पहले तो सबसे बड़ी बात है कि पापा के दर्शन करने आया हूँ। दूसरा जो मेरी उत्सुकता बढ़ गई थी, मुझे जब पता लगा था कि भी इको फ्रेंडली है और टॉलेस्ट है, तो मैंने जो सबसे पहले बचपन में टॉल गणपति देखी थी वो वी शांताराम, जो लेट राजकमल स्टूडियो वाले थे, वो लेके आते थे। हम स्कूल में थे तो हम रोड पे खड़े रहते थे कि यहाँ से जाएगी, तो 1 बजे चलती थी और कुछ 4-5 बजे पहुँचती थी बॉम्बे सेंट्रल से। उसके बाद मुझे जो याद आई उनकी, यार ऐसी गणपति सिर्फ वो लेके आते थे ट्रक के ऊपर, और जब ले जाते थे विसर्जन को तो पूरी रात निकल जाती थी, पहुँचते पहुँचते चौपाटी सुबह हो जाती थी। तो सीधा चाइल्डहुड मेमोरी में गया मैं कि भाई एक तो इको फ्रेंडली और ऊपर से टॉलेस्ट, अब ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड में, एंड देन पापा का आशीर्वाद, बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। और आज मेरे पास एक वीडियो आई है, उसमें अमेरिका, युगांडा, ताइवान, स्पेन, USA, सब जगह अपना गणपति बापा के साथ लोग नाच रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं। मतलब ये तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि वर्ल्ड का बिगेस्ट फेस्टिवल हो जाएगा जिस हिसाब से। आई वाज शॉक्ड कि बार बार मैं देख रहा हूँ डिफरेंट कंट्रीज़ का, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गया है बापा के फॉलोअर। आई थिंक बापा जो है वो सारे गॉड के स्टार है, बिगेस्ट स्टार। सर, सबसे पहले तो मैं थैंकफुल करना चाहता हूँ कि वो पप्पा के दर्शन करने आए, और मैं उनसे यही कहूँगा कि ये पप्पा ऐसे हैं कि आप जो दिल से मांगोगे वो आपको मिलेगा, और रियली मैं उनका थैंकफुल करता हूँ कि वो इस फैसला मांगा। यार पापा ने ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, आप तो एक ही चीज़ मांगते सुबह उठ के कि तंदुरुस्ती रहे, बस बाकी तो सब कुछ दिया हुआ है यार। जी जी, वो भी मिलेगा। सुबह उठ के बोला यार हाँ उठ सकता हूँ, खड़ा हो सकता हूँ, तो ये पापा की मेहरबानी रहे, और क्या चाहिए। और ये समझ में आती है बड़ी देरी से, कोई पैसा मांग रहा है, कोई नाम मांग रहा है, कोई सुबह उठने की ताकत होगी तो सब आ जाएगा, बेड पे ही पड़े रहेगा तो क्या होगा। तो ये समझ में आया कि अल्टीमेटली जो है मांगना है तो तंदुरुस्ती मांगो, तो इसमें सब मिल गया, ऑलरेडी दिया हुआ सब कुछ। थैंक यू। कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया, हमें बुलाया। ये जो एक ये प्रतिमा जो है, ये ऑलरेडी जैसा कि आप सब जानते हैं बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, 25 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। और मैंने ऑनेस्टली अपनी लाइफ में इतना बड़ा गणपति कभी नहीं देखा, तो मेरे लिए एक बहुत ही रोमांचक स्थल है। और मुझे बड़ा आनंद हो रहा है इस बात से कि मैं आ पाया यहाँ पे, आप सब लोगों से मिल पाया और पापा के दर्शन हुए। और एंड वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू अरुण जी फॉर हैविंग मी हियर। विद यू। नमस्ते, मेरा नाम है तस्नीम, और मैं बहुत आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग हियर, एंड थैंक्स अ लॉट अरुण शर्मा जी को कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया, और बहुत सुना था तो देख लिया, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी टू बी हियर। और पापा के दर्शन हो गए, क्या बड़ी बात है, वेरी नाइस टू बी, थैंक यू सो मच। गणपति बापा मोरे। लाल शाह जो लाल बादशाह राजा थे उसके हिसाब से इतनी बेहतरीन मूर्ति है, मतलब साक्षात लग रहा है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा अमर जी कि आज तक ये इसके थ्रू मुझे बुलाया क्यों नहीं आप, मतलब इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। मैंने इतनी बड़ी मूर्ति इतनी साक्षात देखी नहीं है। और दूसरी बात है कि हर साल ये आता रहता है, तो अभी आपको ये प्रॉमिस देना है कि हर साल मैं यहाँ आऊँ। एंड अदर थिंग इज दैट कि इसका जो महिमा है वो इतना कमाल है कि आज इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में छा रहा है, तो जितना ही इसका स्तुति करे, इसकी वंदना करे। तो यही कहूँगा, जय गणपति पापा। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं अरुण सर का थैंक्स बोलता हूँ कि सर ने मेरे को यहाँ पे बुलाया, और मैंने लिटरली बॉम्बे में फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी मूर्ति क्या मतलब कि देखी है कि जो इको फ्रेंडली है, और गिनीज बुक में नाम भी आया, ये मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है बॉम्बे के अंदर। और काफ़ी ब्लेस फील कर रहा हूँ कि सर ने मेरे को यहाँ पे बुलाया, और मेरे को साक्षात भगवान को देखने का मौका मिला यहाँ पे, और काफ़ी कुछ मैंने मांगा भी। अब ऐसा लग रहा है अंदर से पॉजिटिविटी आ रही है कि पूरी हो जाएंगी वो चीज़ें। जी जी बिल्कुल, अभी अभी से उन लग गई फ़ोन, तो अभी आ गया नेक्स्ट शो का एक।
एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम भी देखा था, बट लास्ट टाइम इट वॉज 24 फीट का गणपति इको फ्रेंडली, और इस बार जो ग्रेस है ना वो 28 फीट सुन के ही एक तो थोड़ा सा ये लगता है कि इट्स सो ह्यूज। और अरुण जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, हमारे तो खैर बहुत अच्छे फैमिली रिलेशन है बहुत सालों से, 10-12 सालों से हम लोग बहुत अच्छे फैमिली जैसा रिलेशन रहा है। और पापा से लास्ट टाइम भी विश मांगी थी जो कि ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, इस बार जो मांगा है आई होप सो कि अगले साल तक मैं जो चाहती हूँ वो हो जाए, पापा सबको ब्लेस करें। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला और दर्शन करने का मौका मिला, इट्स ह्यूज एंड इट्स वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। मैं मतलब सबको बोलना चाहूँगी कि अगर जितना हो सके इको फ्रेंडली मूर्ति लेके आए, क्योंकि उसके बाद गणपति तो हो जाता है, बट गणपति के एक महीने तक भी हम जब समंदर में जाते हैं देखते हैं तो कहीं गणपति के मुकुट होते हैं, कहीं झूली होती है, कहीं नाक होते हैं, सो इट्स सो बैड टू सी ऑल दिस, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बैड फील होता है। और इको फ्रेंडली गणपति बनाने का मतलब आप उस मिट्टी को यूज़ कर सकते हो, उसमें प्लांट लगा सकते हो, घर में लगा सकते हो, सो इट्स यूजफुल। गणपति जी से बहुत पुराना रिश्ता है मेरा, ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइंड एंड आई फील वेरी हैप्पी टू बी ओवर हियर। एंड 25 फुट के इको फ्रेंडली गणपति, आई एम स्टिल थिंकिंग कि इतनी बड़ी मूर्ति इको फ्रेंडली कैसे हो सकती है, एंड आई एम जस्ट आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। सर मेरे एक सजेशन है कि अगर ये मूर्ति सालों साल ऐसे ही रहे तो क्या खराब, बिकॉज इस बिल्डिंग की शोभा बढ़ा। सर देखिए मैं भी चाहता हूँ, जब मैं इनको लेके आपने यहाँ पे बनाया और उन्होंने कंप्लीट किया, पिछले साल की बात है, तो मेरा जब वो जिस दिन हम लोग विसर्जन करते हैं यहीं पर विसर्जन तो मुझे मन से ये हो रहा था कि अभी ये यहाँ से क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पर वो साक्षात यहाँ पे रहे। देखिए उनका ओरा ही इतना बड़ा है कि अगर वो हमें अभी दिख रहे हैं, जब ये विसर्जन हो जाएगा तो भी वो वहाँ पे विराजमान होते हैं, और हम दिल से, मैं जब भी आता हूँ तो मैं नज़र पहले फर्स्ट वहीं पे डालता हूँ और मुझे होता है कि वो बैठे हैं, वो इतना विशाल तो, काय है, यस, ये देखने में दिल खुश हो जाता जी। और मेरी भी तमन्ना है कि मैं उनको हमेशा यहाँ पे रखूँ, पर ये विधि का विधान है कि वो हमारे बीच आके और वो बोलते हैं चलिए अब। तो इसका मतलब ये हुआ कि गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। दैट्स नितिका दीपाली। ये सर मैं पिछले 10 साल से पर सब पहले मैं 12 फीट 10 फीट से प्लस चल के रहा, पिछले साल से तो ये अभी अगले साल भी ये एक अच्छी बात ये कि हर साल एक एक फीट बढ़ती जाएगी। मैं उनको पता है पिछले साल भी 24 फीट के एक गणपति हमने उन्हीं के सामने, और हम इनको विसर्जन के समय भी दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई यहीं पे लाइव होता है, अच्छा यहीं पे लाइव विसर्जन होता है, हम मीडिया को दिखाते हैं आधे घंटे का जब उनका पूरा ये करते हैं, क्योंकि देखिए ये चारों तरफ से बंद है, ये बाहर जा भी नहीं सकते,